परंपरा आगे बढ़ रही है और आज मेरे लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस मठ में आज सिद्ध योगी पूज्य भलईनाथ जी महाराज के भंडारा आदि का कार्यक्रम भी यहां संपन्न हो रहा है। नाथ संप्रदाय में और योगी परंपरा में संतों सिद्धों योगियों की परंपरा में भंडारे का अपना एक महत्व होता है, वह भी आज संपन्न हो रहा है। मुझे आपके साथ इस कार्यक्रम में सहभागी होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए इस पूरे कार्यक्रम में मुझे यहां पर आने के लिए आमंत्रण देने के लिए केंद्रीय मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को, श्री मुक्त सिंह जी को, श्री प्रेम सिंह जी को और उनके परिवार के सभी सदस्यों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आप सभी भीनमाल के श्रद्धालुजनों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने जो उत्साह दिखाया है, यह उत्साह हम लोगों को एक नई ताकत देता है। पूरी मजबूती के साथ धर्म के पथ पर चलते हुए अपने कार्यों के निर्वहन करने की एक नई प्रेरणा हम सबको प्रदान करता है। और आज मुझे प्रसन्नता है कितना भव्य आयोजन पिछले 11 दिनों से लगातार यहां पर चल रहा है। शेखावत जी अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाल करके स्वयं लखनऊ आए, मैं उनके आमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सकता था। फिर बीच में उन्होंने फोन करके भी पूछा, कहा कि आपका अभी तक कार्यक्रम पहुंचा नहीं है, तो मैंने कहा नहीं, अब तो मैं जरूर ही वहां पहुंच रहा हूं, आप चिंता मत करिए। और आज भाइयों बहनों, मुझे आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह 1400 वर्ष पुराना नागभट्ट द्वारा स्थापित भगवान नीलकंठ का यह पवित्र स्थल हम सबको अभिभूत करता है। मुझे अभी महाकवि नागभट्ट की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण करने का अवसर प्राप्त हुआ था और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 15 वर्षों से राव मुक्त सिंह जी ने जिस संकल्प को लिया, वह संकल्प आज इतना भव्य मंदिर के रूप में भीनमाल के श्रद्धालुजनों के लिए, जालौर के श्रद्धालुजनों के लिए, राजस्थान और देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुजनों के लिए यहां पर भगवान नीलकंठ के इस पवित्र शिवालय के दर्शन करने का इस भव्य मंदिर में अवसर प्राप्त होगा। यह अपने आप में सौभाग्य का अवसर है। कल ही हम लोगों ने देश के 74वें गणतंत्र दिवस का आयोजन संपन्न किया है। आज देश आगे बढ़ रहा है। याद करिए, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबको एक संकल्प दिलाया, पूरे देशवासियों को, और संकल्प था अपनी विरासत के एक संकल्प, जो पंच प्रण थे उनमें से एक प्रण था विरासत के प्रति सम्मान का भाव, अपनी विरासत का संरक्षण करना। ये विरासत का ही संरक्षण है। 1400 वर्ष पहले 7वीं शताब्दी में जिस मंदिर की पुनर्स्था, जिस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ, आज उसका एक भव्य रूप राव मुक्त सिंह जी के सहयोग से, उनकी साधना से, आप सबके उत्साह से वह भव्य रूप हम सबको देखने को मिल रहा है। आज जिस प्रकार की एकता इस धार्मिक आयोजन में देखने को मिल रही है, कोई जाति नहीं, कोई मत का भेद नहीं, कोई मजहब का भेद नहीं, भाइयों बहनों, हम सबको अपने दैनिक जीवन में भी इस भाव को अंगीकार करना होगा। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब
अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालुजनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य और रामलला विराजमान अगले एक वर्ष के अंदर अपने भव्य मंदिर में होंगे। उससे पहले राजस्थान के इस भव्य मंदिर के पुनरुद्धार का सौभाग्य आज मुझे यहां प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, 11 दिनों से चल रही आपके यज्ञ की ये प्रक्रिया है, धार्मिक अनुष्ठान है, आज वो पूर्णाहुति में इस भंडारे के साथ यहां पर समारोह की ओर अग्रसर हो रही है। लेकिन जितना भव्य और दिव्य परिसर बनाया गया है, इसकी भव्यता, इसकी दिव्यता और इसकी पवित्रता को बनाए रखने की जिम्मेदारी राव मुक्त सिंह जी ने भीनमाल के नागरिकों के ऊपर छोड़ी है। सब मिलकर के इसको यही भव्य रूप दें। आप सोचिए कि आज से 1400 वर्ष पहले श्री नाग भट्ट जी द्वारा स्थापित यह मंदिर यहां पर स्थापित था, और 1400 वर्ष के बाद राव साहब ने इसको यह भव्य स्वरूप प्रदान किया है। और उसमें भी 15 वर्ष लगे। कोई व्यक्ति एक कार्य करता है, एक दिन दो दिन के अंदर अपने संकल्प को भूल जाता है। लगातार 15 वर्षों से हमारे यहां भी यह माना गया है, संकल्प के 12 वर्ष होते हैं। 12 वर्ष में अलग अलग प्रकार की व्यक्ति साधना करता है, लेकिन लगातार 15 वर्षों से एक ही संकल्प के साथ जितना भी व्यक्ति अपनी आय करेगा, उस आय को पूरी तरह समर्पित करेगा भगवान नीलकंठ को, समर्पण का यह भाव, यही तो हमारी पहचान है। क्योंकि धर्म का ऋण हमारे ऊपर हमेशा रहता है। हर व्यक्ति ऋषि ऋण को चुकाने के लिए अनेक प्रयत्न करता है, मातृ ऋण को चुकाने के लिए, पितृ ऋण को चुकाने के लिए अनेक प्रयत्न करता है। और यह भी इस धरती के प्रति, अपने ऋषि ऋण के प्रति, धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उन्होंने यह भव्य रूप यहां पर देकर के इस मंदिर को आने वाले 1500 वर्षों के लिए जालोर वासियों के लिए, राजस्थान वासियों के लिए एक मानक स्थापित किया है। लेकिन इसको इस रूप में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सबकी होनी चाहिए, पूरे भीनमाल और पूरे जालोर वासियों की होनी चाहिए। यह भव्य रूप बना रहे, अक्सर होता है मंदिर बनाते हैं, परिसर भव्य नहीं हो पाता, छोटे से स्थान पे होता है, मंदिर बनता है लेकिन मंदिर में जाने का रास्ता बहुत संकरा होता है, या फिर उसके आसपास उस प्रकार की स्थिति नहीं होती है कि उसे एक भव्य स्वरूप दिया जा सके। लेकिन आज जब मैंने देखा मंदिर कितना भव्य रूप है, और ऐसा लग रहा था जैसे भगवान राम का अयोध्या में निर्मित होने वाले जो प्राचीन मंदिर, जो पुराना मंदिर का स्वरूप था, उसका एक रूप यहां पर मुझे देखने को मिला इस मंदिर में। आप सोचिए 15 वर्ष पहले संपन्न हुआ था, और आज यह मंदिर अपनी पूर्णाहुति के साथ यहां पर भव्य उत्सव के साथ, यज्ञ आयोजन के साथ एक कार्यक्रम आज यहां पे संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए राव साहब के पूरे परिवार को, आप सभी भीनमाल के श्रद्धालुजनों को, मंदिर समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को,
हृदय से बधाई देता हूं, अपनी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। भगवान नीलकंठ से ही प्रार्थना करता हूं, आपको भक्ति भी दे, आपको शक्ति भी दे, आपके जीवन में यश और समृद्धि इसी प्रकार से लाते रहे। इस विश्वास के साथ मैं आप सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं, अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।